आज हम चिकन वेजिटेबल पुलाव बनाएंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ऑयल डालेंगे पैन में और उसमें गरम मसाला हल्का सा फ्राई करेंगे। देन आप इसमें प्याज लंबी कटी हुई डालेंगे। और इसको आप हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। साथ ही आप लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें और इसे 2 से 3 मिनट भूनें। हरी मिर्च शामिल करें इसमें, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते। बारीक कटा टमाटर इसमें डालें। नमक हसबे ज़रूरत शामिल करें। साथ ही आप धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर शामिल करें। चिकन शामिल करें और साथ ही योगर्ट। सब्ज़ धनिया और शिमला मिर्च कटी हुई, इसके अलावा भी कोई आप वेजिटेबल शामिल करना चाहें तो। दो मिनट भूने, उसके बाद आप उसमें पानी शामिल करें। पानी आप अपने चावल के हिसाब से इसमें डालेंगे। पूरी तरह से एक दफ़ा चम्मच हिला के इसको मिक्स कर लें। पानी में जैसे ही उबाल आए उसके बाद आप चावल इसमें शामिल करेंगे। राइस आप क्वालिटी के लिहाज से पानी में पहले से भिगो के रखेंगे। 10 मिनट के लिए आप इसको मीडियम आंच पे पकाएं। साथ आपने इसको दम लगा दिया था। 10 मिनट हो चुके हैं और आपके राइस तैयार हैं। चूल्हा हम बंद कर देंगे और 5 मिनट बाद इसको आप सर्व कर सकते हैं। इस तरह से हमारा चिकन वेजिटेबल पुलाव तैयार है।